हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक ब्रेकिंग न्यूज मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। अब गाइस आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल गई होंगी, बट इस वीडियो में मैं कुछ अलग से आपको बातें बताऊंगा, लाइक कि जो आपके पैसे थे पेटीएम में उनका क्या होगा। एंड गाइज उसके साथ साथ पेटीएम चाइनीज एप्लीकेशन भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इसको प्ले स्टोर से रिमूव क्यों किया गया, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मैं करता हूं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो टेक्निकल हर्ष यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसा ही जनरल कंटेंट लेने के लिए, और साइड में बेल आइकन है उसको भी ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अब गाइस साइड में आप प्रूफ देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे। गाइस पेटीएम रिमूव हो चुका है प्ले स्टोर से। तो दोस्तों कुछ दिन पहले गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट किया था, वहां पर गूगल ने सिंपल से लिखा था कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन या फिर किसी वेबसाइट वगैरह जो भी है उसके अंदर जुआ नीति के बारे में बताते हो, जुआ से रिलेटेड कुछ भी बताते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप देते हो, तो आपको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, चाहे फिर वो वेबसाइट हो या फिर वो एप्लीकेशन। तो गाइस हुआ क्या, अभी आईपीएल चलने वाला है, ऐसे में पेटीएम ने सोचा कि कुछ पैसे कमा लिए जाए लोगों के थ्रू। तो उसने क्या किया, अपनी एक मतलब लोगों को जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे पास जो सट्टेबाजी है, जो जुआ है अवेलेबल है, आप आराम से यहाँ से प्ले जो आईपीएल वगैरह जो टूर्नामेंट है वहाँ पर आप लगा सकते हो। तो ऐसे में अब गूगल ने बताया था, बताने के बाद भी इन्होंने मतलब उसका गलत फ़ायदा उठाया, तो इससे गूगल प्ले स्टोर से उसको रिमूव कर दिया गया, मतलब जो गूगल की तरफ से उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब दोस्तों कुछ लोगों का सोचना है कि ये इंडिया से बैन हो गया क्या, इस मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंडिया से बैन ही है, क्योंकि यार प्ले स्टोर से रिमूव हुआ तो इंडिया से बैन ये हो गया, मतलब प्ले स्टोर ही चलता है, ठीक है, अदरवाइज और जो वेबसाइट वगैरह वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से अगर करना चाहो तो। बट गाइज देखो एक बात है सोचने की, जो मतलब पेटीएम है वो वहाँ से रिमूव हो गया। अब गाइज बहुत सारे यूजर्स के पास मतलब बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए थे पेटीएम में, अब वो सोचेंगे कि उनका क्या होगा। अब गाइज आपको मैं एक सिंपल वे बताता हूँ, आप अभी अगर पेटीएम को यूज़ करोगे तो आराम से चल जाएगा, वहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट में कहीं पर भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, कोई डिफिकल्ट मतलब इसमें नहीं है, ठीक है, आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं भी करना चाहते हो तो भी पेटीएम ने अपना एक ऑफिशियल मतलब ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है, वहाँ पर उन्होंने लिखा कि जो आपकी अर्निंग है, जो भी आपका पैसा है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है, कहीं पर नहीं कटने वाला, ये सोचते रहोगे कि हमारा पैसा कहाँ गया, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आराम से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये किसी की भी गलती नहीं है, गलती खुद पेटीएम की है, पेटीएम ने खुद प्ले स्टोर से रिमूव करवाया अपने आप को, क्योंकि यार मतलब गूगल ने बता भी दिया कि कोई जुआ या फिर सट्टेबाजी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए डेवलपर के पास, लेकिन फिर भी अगर होती है तो मतलब ऑप्शन ही नहीं बचता पेटीएम का मतलब गूगल प्ले स्टोर पर होने का। और दोस्तों बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी आए थे कि हर्ष भाई मेरे पास एक डाउट है, मैंने पूछा हाँ भाई बोलो, कि जो पेटीएम है मतलब चाइनीज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी बैन क्यों हुआ। तो इसी कारण से बैन हुआ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और ये चाइनीज़ नहीं है, अपने इंडिया की एप्लीकेशन है पेटीएम। तो जैसे कि आपको पता हुआ, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कोई भी डाउट आपका तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं हर्ष मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।